दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है लकड़ी की जादुई परी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। छुट्टियों का दिन था। छुट्टियाँ मनाने के लिए रागिनी अपनी नानी के घर आई हुई थी। रागिनी स्वभाव से बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। एक दिन की बात है। क्या मेरी प्यारी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे ना तो भूख लगी है और ना कुछ चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए देखो ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ बेटा। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये सारे बेकार खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए रागिनी सारे खिलौनों को बाहर फेंक देती है। ये देखकर रागिनी की नानी को बहुत बुरा लगता है। पर आप तो जानते ही है ना कि नानी कैसी होती है। अपने नाती नातिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। कैसे भी करके अपनी नातिन को खुश रखती है। रागिनी की नानी स्टोर रूम में जाकर कुछ ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए नानी को एक लकड़ी की परी मिली। वो रागिनी को दिखाते हुए बोलती है, ये देखो मेरी प्यारी रागिनी गुड़िया बेटी, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा लाडो, ये तो लकड़ी की है, पर इसके पास जादुई छड़ी है। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहते हुए रागिनी लकड़ी की परी की गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर उससे बोलती है, लकड़ी की परी, तुम अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ। परी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम भी बेकार का खिलौना हो, तुम भी मेरे किसी काम की नहीं हो। ऐसा कहकर रागिनी लकड़ी की परी को घर से बाहर फेंक देती है। रात का समय हो चुका था। रागिनी अपने कमरे में सो रही होती है। जैसे ही चांद की रोशनी लकड़ी की परी के ऊपर पड़ती है, तभी लकड़ी की परी में जान आ जाती है और परी बोलती है, अरे मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ, मेरी छड़ी तो रागिनी के कमरे में है, मैं जाकर जल्दी से उसे ले आती हूँ। फिर छोटी सी परी जल्दी से रागिनी के कमरे में आ जाती है और अपनी छड़ी को टेबल पर रखे हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी जैसे ही टेबल के पास पहुँचती है, तभी रागिनी की आँख खुल जाती है। तभी रागिनी बोलती है, क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देखकर परी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो छोटी होने के कारण वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाई। तभी रागिनी परी को अपने हाथों पर उठा लेती है। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि तुम तो मेरा खिलौना हो। पर तुमने तो मुझे फेंक दिया था। तुम एक बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे सूरज उगने से पहले उस चुड़ैल के महल पहुंचना ही होगा जो समुद्र के उस पार है। नहीं तो चुड़ैल मेरे परी लोग को बर्बाद कर देगी। मैं परियों की राजकुमारी हूँ। चुड़ैल ने मुझे श्राप देकर लकड़ी की परी में बदल दिया था। क्या सच में तुम परियों की राजकुमारी हो? तभी परी ने बताते हुए कहा, हाँ, चुड़ैल मेरा रूप लेकर मेरे यहाँ रानी माँ के साथ रह रही है। कुछ दिनों बाद रानी माँ उसे अपनी परी लोक की रानी बना देंगी। फिर उसे जादुई मणि सौंप देंगी, जिसे पाकर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये बात परी लोक में किसी को नहीं पता है। उस दुष्ट चुड़ैल की एक नेक दरिया दिल बहन है। उससे मेरा दुख देखा नहीं गया। उसने मुझे बताया
कि पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ेगी मुझमें प्राण आ जाएंगे और मुझे श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी बताया। दुष्ट चुड़ैल की हवेली समुद्र के बीचों बीच है। उसने हवेली के अंदर कांच की बोतल में अपना दिल रखा हुआ है। मुझे उस दिल को नष्ट करना होगा, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और फिर उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ये सब मुझे सूरज निकलने से पहले करना होगा, तभी मैं अपने असली रूप में आ पाऊंगी। मुझे जाने दो, सुबह होने से पहले मुझे चुड़ैल की हवेली पहुंचना है। रागिनी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? पर वहाँ बहुत खतरा है। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा, चलो चलें। मुझे मेरी छड़ी तो दो। रागिनी ने परी को उसकी जादुई छड़ी दी। परी ने छड़ी को जैसे ही अपने हाथों में लिया, तभी चमकते हुए परी के पंख निकल आए। चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। फिर परी रागिनी को अपने साथ उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच चुड़ैल की हवेली थी। अचानक से बिजली फड़फड़ाने लगी और बारिश होने लगी। ये देखकर परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है, समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं है। मेरे पास अभी इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं बारिश में तुम्हें अपने साथ उड़ा सकूं। अब हम क्या करें, समय बीतता जा रहा है। तभी अचानक रागिनी की नज़र समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी डोंट वरी, वो देखो एक नाव, हम जल्दी से हवेली में पहुंच सकते हैं। चलो जल्दी से नाव पर बैठ जाओ। क्या तुम्हें नाव चलाना आता है? उसके बाद परी और रागिनी दोनों नाव में बैठ गए। रागिनी बड़ी बहादुरी के साथ नाव को महल के पास ले जाती है। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्हें एक बड़े दांतों वाला राक्षस दिखाई दिया। राक्षस तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला करना चाहा, तभी रागिनी बीच में आ गई। और तभी रागिनी ने राक्षस के सर पर एक मोटे डंडे से वार कर दिया। लड़की, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती, मैं पहले तुम्हें ही ऊपर पहुंचा देता हूं। तभी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। फिर परी रागिनी से बोलती है, रागिनी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं परी, मैं ठीक हूँ। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर चुड़ैल का दिल ढूंढ लिया। परी ने फौरन ही अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल का दिल नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में आ जाती है। फिर परी रागिनी से बोलती है, रागिनी तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगले दिन जब सूरज निकला, रागिनी ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या, मैं तो हवेली में थी परी के साथ, मैं यहाँ कैसे और कब आ गई? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी? रागिनी ऐसा सोचकर बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रागिनी की नानी आ जाती है और बोलती है, रागिनी मेरी बच्ची तुम उठ गई। बिस्तर से उठते ही रागिनी दौड़कर अपनी नानी के गले लग जाती है। नानी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, अब मैं आपके साथ बुरा बर्ताव कभी नहीं करूंगी और मैं आपके सारे दिए हुए खिलौनों को बहुत प्यार से रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से हाथ मुँह धो लो और नाश्ता कर लो मेरी बच्ची। उस दिन के बाद से रागिनी का जिद्दी वाला स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो अपनी नानी के साथ और सारे खिलौनों के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी और अपनी नानी के दिए हुए सारे खिलौनों को संभाल कर रखने लगी। ओ दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।